पहाड़ चढ़ने से दुगना कठिन समंदर है यहाँ आप मिनट में मरते हो वहाँ आप सेकंड में मरते हो वहाँ कैलकुलेशन कितना मायने रखाता है सांसें कितनी मायने रखाती हैं वहाँ पे आपको लगता है आपने दुनिया देखी अरे आपने कुछ नहीं देखा समंदर के बाद आपको पता चलता है कि कितना कुछ एक्सप्लोर करने को है जो आप ऐसे ही चले जाते जो आप सोचते रहते हम यहाँ जीन जंजाल में लगे हुए होते हैं सुन भी रहा था किसने बताया कि स्पेस को हमने पॉइंट कुछ परसेंट एक्सप्लोर किया है बोले अब हैरत इस बात की है हमने समंदर इतना भी नहीं किया है मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ मैं जब गई थी हम लोगों के को भी कोर्स होते हैं वहाँ पे बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स रेस्क्यू कोर्स साइड माउंट कोर्स बिल्कुल तो को बिल्कुल लगे उससे जो पहाड़ के कठिन ज़्यादा है मेरे लिए कठिनाई स्विमिंग सीखना थी अब अब पता फिर परिवेश का अंतर आ जाता है हमारे यहाँ स्विमिंग गाँव में ना लड़कों को कूप पर बांध के डाल के सिखाते किसी लड़की को क्यों नहीं सिखाते किसी को भी सिखा नदियाँ हुई तो एटलीस्ट किसी महिला को आ जाएगा गांव में किसी महिला को जो गांव की उनको नहीं आती दूसरे को तो फिर भी सिखाते तो वो सीखना चैलेंजेस चैलेंजिंग ज़्यादा था अब आता है आ, समंदर में ट्रेनर नहीं मिलते हमको एक्सपर्ट ट्रेनर तो मेरे लिए जो ट्रेनर थे वो अर्जेंटीना से आए थे उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी तो समंदर में नीचे जाने के बाद हमें समझ में आता है प्रेशर फिर मैं एक मूवी का रेफरेंस लूंगी द गाजी अटेक गाजी अटेक मूवी लोग देखेंगे तब उनको प्रेशर समझ में आएगा कि कैसे गाजी अटेक में पंडुबी के कलपुर से निकलते तो वो पार्ट होता है कि हमारे शरीर में प्रेशर कैसे कंप्रेस करता है हमारे लंग्स को कंप्रेस करता है यहाँ अंडा फोड़ेंगे तो क्या होगा फैल जाएगा उतर जाएगा समंदर के अंदर अंडा फोड़ोगे तो वो येल्लो के ऊपर वाइट कंप्रेस हो जाएगा तो ये आपके लंग्स के साथ होता है ये खाली बॉटल जो मैं दिखा रही हूँ वो ऐसी फूली हम लेके जाते हैं और फिर वो ऐसे करके बिल्कुल हो होता ऑटोमेटिकली तो आपको ये दिखाता है कि आपके लंग्स और आपकी बॉडी के ऑर्गन कितना प्रेशर है शरीर पर कितना प्रेशर है एकदम कंप्रेस होते हो हम लोगों को क्या लगता है समंदर के नीचे जाते जो हैं जो लोग प्योर ऑक्सीजन ब्रीद करते होंगे आपको पता होना चाहिए कि प्योर ऑक्सीजन केवल सिक्स मीटर तक यूज कर सकते हैं उसके बाद वो ऑक्सीजन टॉक्सीसिस मतलब व्यक्ति मर जाएगा जहरीली हो जाएगी हम लोग गैसों का मिक्सचर यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन कहाँ जाएगी ऑक्सीजन ब्रीथ करने के बाद वो बबल फॉर्म में आ जाती है जिसकी वजह से जो भी डाइवर होता है यदि वो बबल्स के साथ आने के बाद हीवी वर्कआउट या कुछ भी करेगा तो वो बबल्स जैसे इसको समझाने के लिए मैं उदाहरण बताऊँगी कोको कोला की बॉटल में आपने बबल देखे कोको कोला की बॉटल को ग्लास में डालते तो बबल दिखते हैं तो डाइवर बाहर आने के बाद भी साइलेंट फॉर्म में आपकी बॉडी में बबल रहते हैं क्लाइंबर सॉरी क्लाइंबर बोलो डाइवर को उसका इंस्ट्रक्टर बोलता है कि दो दिन बाद सर्टिफिकेट देंगे रीज़न दो दिन में यदि आपने कुछ भी हैवी किया तो वो बबल हार्ट तक पहुँचा के कार्डिय रेस्ट कर देगा आप मर जाओगे सो एक डाइवर जो टेक्निकल डाइवर होता है बड़ा लेजी हो जाता है hmm. आपको पता होना चाहिए कि हीलियम एक लीटर तीस हज़ार की आती है हीलियम नार्कोटिक होने से बचाती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नार्कोटिक गैस है शराब की तरह आपका दिमाग घुमाती है आपको हिला हुआ सब नज़र आता है hmm. नीचे जब जाते हैं तो सेम ऐसा ही फील होता है आपका दिमाग इतना स्लो मोशन में काम करता है कि पूछो मत अब आता है मरीन लाइफ या हम लोग साइन मतलब साइन लैंग्वेज यूज करते हैं कि ये लॉयन फिश है या स्कॉर्पियन फिश है ये, ये शार्क है अच्छा बताते हैं एक दूसरे को हाँ, कि ये हमेशा बडी सिस्टम में जाते हैं हम लोग तो जब नीचे जाते हैं तो जो हमारी स्कॉर्पियन फिश है हमेशा कहा जाता है समंदर में बॉटम टच मत करो बोन्सी मेंटेन करो बोएसी मतलब क्या जैसे स्पेस में बोयसी मेंटेन की जाती है जो भी स्पेस में जाने वाले लोग हैं वो पहले समंदर में जाते हैं बोयेंसी सीखने के लिए तीन सेकंड में सांस लेना छः सेकंड में छोड़ना है बॉयंसी मेंटेन करना शरीर को सो बोयसी मेंटेन करना वाला बॉटम टच इसलिए नहीं करना है क्योंकि स्कॉर्पियन फिश बिल्कुल रेतीली टाइप की दिखती है तो उसके टच करने से उसके जहर से आदमी नहीं मरता है उसका दर्द इतना होता है कि सो हथौड़े कोई मार रहा है आपको लोगों को पानी के अंदर हार्ट अटैक आ जाता है जेली फिश का टाइमिंग होता है जेली फिश के स्ट्रिंग लगते तो टॉयलेट अपने आप लोग व्यक्ति का हो जाता है ऐसा लगता है तिलमिला गए हो आप समंदर में तीन तरह के करंट होते हैं अपर जो आपको लहरें ऊपर दिखती हैं वो एक नहीं है तीन है ऊपर भी है बीच में भी है नीचे भी है अपर वैली मिडिल वैली डाउन वैली तीन तरह के करंट होते हैं जो आपको समझ में आना चाहिए हम लोग जाते हैं अपनी डाइविंग साइट ढूंढते हैं साइट्स होती हैं हमारी डीपेस्ट साइट और वहाँ पे हम मैंने तो और मेरी टीम ने हमने आर्टिफिशियल साइट्स डेवलप की थी मछलियों के लिए रहने की तो ये सब हमें समंदर की दुनिया जब हम एक्सप्लोर करते तब हम सीखते हैं करते हैं मेरे साथ एक ग्रुप पर मछली थी मछलियों का विश्वास जितना सबसे कठिन होता है डेली डेली जाके ग्रुप पर एकदम लेजी मछली होती है सुंदर सी उसकी आंखें होती है डेली डेली जाके वो भी वहीं रुकी होती थी मैं भी वहीं रुकी होती थी हम दोनों एक दूसरे को देख रहे होते थे फिर मैं वापस आ जाती थी सी स्नैक्स ह्यूमन की तरफ अट्रैक्ट होता है नीचे जाते हैं तो कितना पानी ठंडा होता जाता है कैसे लाइटिंग कम होने लग जाती है ये सब हमको पढ़ने और सीखने को मिलता है ऊपर आना कभी भी तेज़ी से नहीं वरना लंग्स ओवर एक्सपेंडेशन की वजह से फट जाएंगे पंचर हो जाएंगे तो ये इतनी बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो डाइविंग के टाइम होती है कि पूछ पूछो मत और ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं फिर छोटा प्रैक्टिकल करना होता है और फिर उतारना होता है उतारने में सब गड़बड़ भी हो सकता है नशे की लत थी एक व्यक्ति को तो उन्होंने कहा था कि दे दो केवल पाँच ग्राम

दांत से लाओ तुम्हारा काटके नहीं, नहीं